40 किलो प्लास्टिक कचरा निकला वेल के पेट से। फिलीपींस में भूख की वजह से एक वेल की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में उसके पेट से 40 किलो प्लास्टिक कचरा निकला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कचरे की वजह से वो वेल कुछ खा नहीं पा रही थी, जिसके चलते वो बीमार हो गई। एनवायरमेंटलिस्ट ने इसे समुद्री जीवों को जहर देने के सबसे खराब मामलों में से एक बताया है। करोल बाग में पार्किंग चार्ज हुआ दोगुना। चुनावी माहौल में नॉर्थ एमसीडी ने लोगों को महंगाई का झटका दिया है। करोल बाग मार्केट में पार्किंग रेट दोगुना कर दिए गए हैं। जहां पहले एक घंटा कार पार्किंग के लिए 20 रुपए लगते थे, अब वहां 40 रुपए हो गए हैं। जल्द ही पार्किंग रेट नॉर्थ एमसीडी इलाके के अन्य मार्केट्स में भी बढ़ाने की योजना है। लौकी से बनाए बायोडिग्रेडेबल कॉफी कप्स। प्लास्टिक से बचने के लिए क्रीमी नाम की कंपनी ने लौकी से 3D प्रिंटेड कॉफी कप बनाए हैं। ये पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी ये मिट्टी में मिल जाएगा। क्रीमी की बिजनेस मैनेजर ने बताया कि ये आइडिया जापान से आया है। वहाँ किसान तरबूज को सांचे में रखते हैं, इससे तरबूज को एक के ऊपर एक सजाकर रखा जा सकता है। प्रमोद सावंत कल करेंगे बहुमत साबित। गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बुधवार को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। उन्होंने बताया कि सुदीन धवलीकर और विजय सरदेसाई डिप्टी सीएम होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मिलने वाली बधाइयों को लेकर सावंत ने कहा, पारिकर जी के निधन के बाद राज्य में 7 दिनों का शोक है और इस दौरान मुझे फूल ना भेंट करें। वोट के लिए कैश का लालच दें तो हमें बताएं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होने वाला है। चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आम लोगों से अपील की है कि अगर कोई कैश देकर या अन्य किसी भी लालच के जरिए चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करे तो इसकी जानकारी हमें दें। IT डिपार्टमेंट की ओर से इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। मुंबई आतंकवादी हमला सबसे खतरनाक हमला। चीन ने 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमले को सबसे खतरनाक हमलों में से एक करार दिया है। लश्कर तैयबा ने मुंबई में ताज होटल समेत कई जगहों पर हमला किया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। चीन ने शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम्स के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर निकाले गए श्वेत पत्र में कहा है कि बीते कुछ सालों में आतंकवाद और अतिवाद के वैश्विक स्तर पर फैलने से मानव सभ्यता पर खासा असर पड़ा है। 1 मई से 16 जून तक गर्मी की छुट्टी। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने इस बार मध्य प्रदेश में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। ये 1 मई से शुरू होकर 16 जून तक रहेंगी। साथ ही शिक्षा विभाग ने दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश भी अभी से घोषित कर दिया है। दशहरे पर 7 से 10 अक्टूबर 2019 तक बच्चों को छुट्टी मिलेगी। फेसबुक और गूगल को विज्ञापन न देने का लिया फैसला। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिद में हुई गोलीबारी की घटना का वीडियो कई घंटों तक फेसबुक पर रहा। फेसबुक ने वीडियो को हटाने में देरी की, जिससे नाराज न्यूजीलैंड की कई बड़ी कंपनियों ने फेसबुक और गूगल से विज्ञापन न देने का मन बना लिया है। गंभीर बोले, पाक से फाइनल भी हो तो उसका बहिष्कार करें। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बायकॉट करने की मांग को लेकर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर सशर्त प्रतिबंध से काम नहीं चलेगा, उसका तो पूरी तरह से बहिष्कार ही सबसे कारगर कदम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 मई से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के फाइनल में भी भारत का सामना पाकिस्तान से होता है, तब भी टीम इंडिया को मैच का बहिष्कार करना चाहिए। फिल्म पहाड़गंज पर दिल्ली के कारोबारी नाराज। पुरानी दिल्ली के पहाड़गंज के नाम पर बनी फिल्म पहाड़गंज द लिटिल एम्स्टरडेम ऑफ इंडिया का रिलीज होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। पहाड़गंज के व्यापारियों ने फिल्म के खिलाफ सोमवार को मोर्चा खोलते हुए फिल्म का पुतला फूंका। व्यापारियों का कहना है कि फिल्म के जरिए पहाड़गंज को बदनाम करने की साजिश है। कीप वॉचिंग पर्यावरण पोस्ट।